नमस्कार दोस्तों, साउथ की खूबसूरत अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जल्दी बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल में नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसी बीच अब एनिमल से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया गया है। साथ ही फिल्म में रश्मिका के किरदार को लेकर भी पर्दा उठाया गया है। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल इस साल की मोस्ट अपडेटेड फिल्मों में से एक है। अब तक आपने एक्टर को एक रोमांटिक एक्टर के रूप में देखा होगा, लेकिन एनिमल में एक्टर अब तक का सबसे अलग लुक में देखने को मिलने वाला है। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई है, तब से फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर खास एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। दोस्तों, ऐसे में मेकर्स एक के बाद एक फिल्म के स्टार्स का फर्स्ट लुक शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीते दिन रणवीर कपूर और अनिल कपूर के इस फिल्म से फर्स्ट लुक रिवील हुआ, वहीं अब हाल ही में इस फिल्म से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है, जिसे देख फैंस क्रेजी होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एनिमल से अपने लुक की एक झलक दिखाई है। इस पोस्टर से यह साफ देखा जा सकता है कि रश्मिका मंदाना इस दौरान रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन की साड़ी में नजर आ रही है। इस लुक में एक्ट्रेस अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीतती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना के एनिमल मूवी के लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए रश्मिका मंदाना ने कैप्शन में लिखा, मिलिए गीतांजलि से। रश्मिका के इस कैप्शन से यह साफ हो गया कि एनिमल मूवी में वह गीतांजलि नाम की लड़की का किरदार निभाती नजर आएगी। रश्मिका मंदाना से पहले रणवीर कपूर और अनिल कपूर के फिल्म एनिमल से लुक सामने आ चुके हैं। रणवीर के लुक को शेयर करते हुए मेकर्स ने फिल्म के टीजर का भी ऐलान किया था, जिसमें बताया गया था कि एनिमल का टीजर 28 सितंबर को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। बता दें कि इस फिल्म में रणवीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना के अलावा तृप्ति और सौरभ शुक्ला जैसे टैलेंटेड एक्टर की होने की चर्चा है। यह 8 गानों से सजी एक म्यूजिकल फिल्म होगी, जो कि 1 दिसंबर को देश भर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में रिलीज होने वाली है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।